तो नदीप सिंह के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल कोर्स। तो एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, सबसे पहले जानिए कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। अब कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि एडवांस एक्सेल की कुछ अलग सॉफ्टवेयर या कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं। तो मैं बता दूं नदीम जी, एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल ऐसा कुछ होता नहीं है, उनके यूजेज होते हैं, उनके ट्रिक्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया हुआ, यहाँ पे 30 टाइप किया हुआ। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस एक्सेल क्या होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है कि हाँ ये जो टॉपिक है बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है। उनके यूजेज उसको बनाता है एडवांस और बेसिक, और यूजेज डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 20 टाइप कर रखा है, यहाँ पे 30 टाइप कर रखा है। जनरली मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करूँगा तो 30 रिप्लेस हो जाता है, 20 आ जाएगा यहाँ पे। किसी में अगर मैंने पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल किया और पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे ले लिया ऐड, तब क्या होगा कि जहाँ से कॉपी हुआ है, जहाँ पेस्ट हुआ है, इनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहां पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप बेसिक एक्सेल कह सकते हैं कि आपको मैंने समझाया कि टॉपिक क्या करता है और कैसे करता है, राइट? अब yes, कोई ट्रेनर जो होगा, जो बड़े बड़े एमटेक एमटेक ऐसे बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं, टाइलशाही लगा के आते हैं, वो आपको यही सिखाएगा। लेकिन मेरे पास या किसी वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आपको बताएगा कि हम इसको अपने ऑफिस में यूज क्या करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक वर्किंग प्रोफेशनल की, जो इसने करीब एक्सेल पे काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल किया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के जो ट्रेनर होते हैं वो वहीं से पढ़े हुए होते हैं, उसी में पढ़ाते हैं, वो जस्ट अपने प्रोग्राम को, जस्ट अपने कोर्स सिलेबस को फॉलो करते हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑफिस में इसमें किस तरह के चैलेंजेज आएंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं आप बाद में, लेकिन अगर मेरे साथ आप पढ़ना चाहें तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा मैं समझाता हूँ आपको, राइट? सबसे पहले तो मैं आपको मैं इसका रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि परसेंटेज। अगर मुझे एक्सेल में परसेंटेज टाइप करना है तो 20 और परसेंट का सैम्बल हमने दिया, 20% हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ और फिर परसेंटेज का सैम्बल दूँ तो क्या होगा, 2000%, राइट? क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, मतलब मुझे बाद में परसेंटेज का सैम्बल लगाना है तो 0.20 लिखना होगा, देन इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना, 20% आ जाए, राइट सर? ओके। अब मेरे पास एक कलीग थे, वो क्या करते थे, परसेंटेज का इस तरह का सैंपल देते थे और मुझे कुछ डेटा भेजते थे। इस तरह का कुछ डेटा उन्होंने मुझे भेजा। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि इस डेटा को मुझे अपने रिपोर्ट में यूज करना है। अब यहाँ पे 18 दिख रहा है, बट उनके हिसाब से 18% है, मेरे हिसाब से 18 है। अब मान लीजिए जहाँ यूज करना है, मान लीजिए 500 का 18% चाहिए, अगर 18% अगर परसेंट में होगा तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल लूँगा, बट अगर वो नंबर में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट? ओके। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास ऐसे 5-7 जगहों से डेटा आता है, बाकी जगह पे सेम है, बट 1-2 जगह से मुझे इस तरह का डेटा आता है। तो मैं अपने फॉर्मूला को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अगर चेंज किया तो मुझे बाकी जगहों के लिए भी चेंज करना पड़ेगा। सो मेरे पास परसेंटेज ही चाहिए, मैं नंबर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, राइट? अब मुझे अपने डेटा में इसको पेस्ट करने से पहले मुझे यहाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ऐसे अभी तो छोटा सा डेटा है, लेकिन हो सकता है आपके पास 1000, 2000, 10000, 1,00,000 का डेटा हो। तो आपको एक एक सेल पे जाएंगे, इसमें परसेंटेज का सैंपल लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो काफी दिन लग जाएंगे आपको। और भी तरीके हो सकते, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे जो भी हमने बताया।
हम किसी एक सेल पे 100 लिखेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ करेंगे हम डिवाइड। हर नंबर को 100 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, देन परसेंटेज का सिंबल हम लगा लेंगे। अच्छा, तो ये पूरा आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्पेशल पेस्ट करेंगे। हाँ, उसमें हमने ऑपरेशन में हमने डिवाइड ले लिया, तो 100 से हर नंबर को डिवाइड कर दिया इसने। अच्छा, तो आपने कैसे किया ये फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैंने 100 एक किसी सेल पे लिखा, कॉपी किया, पूरे एरिया को सेलेक्ट किया, ओके, पेस्ट स्पेशल डिवाइड। Then, तो ये जो टैब है ना, ये कहाँ से आया? ये जो राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल, अच्छा राइट, यहाँ से ले सकते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यूज नहीं करते क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, डिवाइड एंड क्लियर है। डिवाइड बन गई, हाँ हाँ। तो अब आप देखिए, अगर इसी चीज को मैंने यहाँ बताया, तो इसको बताने के बाद इसको आप लगेगा कि हाँ इसके यूजफुल है, आप इसको हल्के में ले लेंगे राइट। और साथ में कुछ दिनों में भूल भी जाएंगे, कुछ दिन छोड़िए, हो सकता है क्लास के बाद ही भूल जाए। हाँ, बट इसी एग्जांपल को मैंने इसी ऑप्शन को मैंने इस एग्जांपल पर बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भूलेंगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ द एडवांस एक्सेल। तो मेरे यहाँ जो भी क्लासेस होगी कुछ इसी तरह की क्लासेस होगी, हर टॉपिक को इसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इसका बेनिफिट्स क्या है और क्या करें जिससे हमारा काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। और मेरा सिंपल सा स्लोगन है, डू नॉट हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो अब कोर्स की बात करते हैं, तो आपको iptindia.com ओपन करना है, iptindia.com। इस iptindia.com में जाएंगे तो यहाँ जो है लाइव क्लासेस है एंड वीडियो क्लासेस है राइट। वीडियो क्लासेस को फिलहाल छोड़ते हैं, हम जाते हैं लाइव क्लासेस पे। ओके, लाइव क्लासेस में आपने बोला एडवांस एक्सेल राइट, आपको वीवी प्रोग्रामिंग नहीं करना है राइट सर? हाँ हाँ, एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल के लिए आप जब इस एडवांस एक्सेल पे जब क्लिक करेंगे तो 30 आवर्स का कोर्स है, तो यहाँ पे इसके सिलेबस पता चलेगा। ये बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासेस है, वर्किंग जितने भी एग्जांपल्स होंगे, लर्न विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, डेली प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, रियल टाइम एग्जांपल मिलेंगे, ऑफिस रिलेटेड एग्जांपल्स मिलेंगे, और अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को कोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके पास दो तरह की क्लासेज है, एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, फास्ट ट्रैक। एक्सपर्ट लेवल हमारा 35 से 45 घंटे का है और फास्ट ट्रैक जो है 5 से 6 घंटे का है। अच्छा, ये ड्यूरेशन 5 to 6 hours होता है, ये क्या होता है ये 5 to 6 hours? मतलब ड्यूरेशन का क्लास, टोटल क्लास, टोटल का बर्थडे कितना होता है उसका? 1 घंटा, ये देखिए मंडे टू फ्राइडे 1 hour। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे होता है, एक हफ्ता होता है तो ये? अच्छा, मंडे टू फ्राइडे चलता है, जैसे ही नहीं समझे, ये आपका जैसे एक एक्सपर्ट लेवल क्लासेज है जो कि 35 से 40 घंटे की टोटल कोर्स ड्यूरेशन होगी, जिसको आप डेली बेसिस पे एक एक घंटा करके 35-40 दिन में या 50 दिन में खत्म कर दीजिएगा राइट। Yes, okay. तो इसी का जो कोर्स, इसी कोर्स को अगर आप फास्ट ट्रैक में करेंगे तो 5 से 6 घंटे में हो जाएगा आपको। डेली 1 या 2 या 3 घंटे दे देंगे आपको, ये 5 से 6 घंटे मतलब कि 2 से 3 दिन में आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि 45 घंटे को अगर मैं 6 घंटे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें छोड़ूंगा, जाहिर सी बात है ना सर? हाँ हाँ। तो ये उनके लिए है जो कि इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी या कोई एग्जाम देना चाहते हैं, या पहले से एक्सेल आता है, उनको ज़्यादा एक्सेल की यूज नहीं है, वो थोड़ा बहुत यूज है, जितना सीख ले, काम करे ना सीख ले, उनके लिए कोर्स है। इनके सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपके साथ। इसकी पूरी अगर कोर्स डिटेल चाहिए तो डाउनलोड PDF कीजिएगा, तो इस कोर्स की पूरी सिलेबस आपको यहाँ दिख जाएगी, पूरी सिलेबस आपको यहाँ दिख जाएगी ठीक है। ये आपको जो है 1 to 3 batch साइज में होगा, आप डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आप कभी भी मुझे कॉल भी कर सकते हैं और क्लास में जब मर्जी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 लोग ही बैच में होते हैं, इसीलिए ताकि आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सके। बाकी ट्रेनिंग सेंटर की तरह ऐसा नहीं कि आप चैट के 200-300 लोग हैं, आप चैट करें, जब चैट देखेगा तो आपको जवाब देगा, या लाइव मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
और ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा आप अपने भी। क्लियर है? अब वीडियो कोर्स, हाँ अब वीडियो कोर्स के ऊपर आते हैं। अगर आपको वीडियो कोर्स पे आना है तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप मेरी यूट्यूब की किसी भी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे आप एक्सेल इमार्स ट्रेनिंग को सर्च करेंगे तो ये आपका मेरा ऐप आपको दिखेगा। ठीक है? अच्छा, इस ऐप को आप ऐसे app.iptindia.com पे अगर जाते भी है ना सर, app.iptindia.com, यहाँ देखिए, तो इसको आप सिस्टम पे भी रन कर सकते हैं। मतलब कि मेरी जो वीडियो क्लासेस है मोबाइल फोन पे ऐप के थ्रू भी चलता है और सिस्टम में वेबसाइट के थ्रू भी चलता है। इसके स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो कोर्स अभी आपको मैंने डिस्कस किया वो कोर्स ए रहा, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला फॉर एमआईएस ट्रेनिंग, राइट? अच्छा, आप एमआईएस ट्रेनिंग भी देते हैं क्या सर? ये एडवांस एक्सेल तो हम सिखाते हैं, एमआईएस के लिए सिखाते। अच्छा, एक एमआईएस फाइल पे किस तरह के एक्सेल यूज होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा एक्सेल इसी पे बेस है। ओके, जो कोर्स मैंने अभी समझाया वो भी वही काम, उसी चीज का, उसी कोर्स का रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे है, जो कि तकरीबन 40 से 45 घंटे की कोर्स है और ये वीडियोज इसमें अपडेट भी होते रहते हैं। तो इसके कंटेंट देखिए, समरी में आते हैं तो इसका देख लीजिए, 10 साल की लिमिटेशन है, 10 साल तक आपके पास ये वीडियोज रहेंगे। ठीक है? इसकी कंटेंट में जाएं तो यहाँ देखिए फोल्डर आपको दिखेगा, इसमें हम मेनू के हिसाब से अलग अलग फोल्डर किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोर्स समरी है, ये आपको दो प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग है कि फर्स्ट वॉच फर्स्ट दिस वीडियो बिफोर स्टार्ट लर्निंग। मेनू बार के हिसाब से मैंने वीडियो को सेग्रीगेट किया हुआ है कि फाइल मेनू बार के वीडियोज, होम मेनू बार के वीडियोज, इंसर्ट मेनू बार के वीडियोज, फॉर्मूला 41 वीडियो सिर्फ फॉर्मूला मेनू बार के हैं। तो इसमें जो वीडियोस की साइज ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट की है, हमने 113 वीडियो पूरा दिया, नहीं। देखिए वीडियो की साइज आपको यहाँ देखिए, एक एक घंटे की है, 48 मिनट की है, तो एवरेज वीडियो की साइज जो देखें तो 35 मिनट के आसपास की साइज आपको मिलेगी। तो कुछ वीडियो 10-15 मिनट की भी है और कुछ वीडियोज आपकी 1.5 घंटे की भी है। अच्छा, तो ये तकरीबन आपको 115 वीडियो जिसकी 123 वीडियो सॉरी माफ कीजिए 123 वीडियो इसके अंदर में है, जिसमें वही आपका ड्यूरेशन देखा जाए तो 45 से 55 घंटे के आसपास की ड्यूरेशन है। इसको आप परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू, ऐप वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट के लिए आप app.iptindia.com डालेंगे और सिस्टम के मोबाइल ऐप आप XLMIS को सर्च करेंगे, आपको वहां से मिल जाएगा, राइट? दूसरी चीज़ इसमें आपको मिलता है टेलीफोनिक सपोर्ट, कि कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप ऐसे भी नंबर आपके पास है ही मेरा। ओके,